जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मेरे घर के पास एक गांव है चनौती गांव, और अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। कल वहाँ पे एक लेपर्ड अटैक हुआ था और मेरा व्लॉग बनाने का कोई सीन नहीं था, और मेरे साथ आए हैं दीपांकर हल्द्वानी से। तो ये वाइल्ड लाइफ पर बहुत सारे व्लॉग्स बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ डी जोन करके इनका यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ही कल इनको पता चला कि लेपर्ड अटैक हुआ है, उसी वजह से ये आज यहाँ आए हैं, मुझसे मिलने नहीं आप वरना इन्हें सिर्फ ट्यूसडे को टाइम होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांव की तरफ और देखते हैं कि किस्मत अच्छी रहे, लेपर्ड मिल जाए। बाकी इस एरिया में कृतिका मुझे गाइड करने वाली है। हाँ। तो देखो, मतलब गाइड कर रही है तो रिस्क तो है इनको भी, लेकिन रिस्क लेके मेरे साथ चल रही है और मैं खुद गाँव में कितने टाइम बाद आ रही हूँ पता नहीं। चलो अभी चलते हैं और देखते हैं जंगल में। तो अभी हम लोग गांव में पहुंचने वाले हैं और यहां से गांव स्टार्ट होता है, यहां से घूम के हम लोग जाएंगे इस साइड, और इसके पीछे ही अटैक हुआ था। तो ये हो रही है मक्का, पहाड़ी में क्या बोलते हैं इसको, भुट्टा। हाँ, भुट्टा भुना वाला होता है पागल, और वो भी बोलते हैं काकुनी। काकुनी, काकुनी कुमाऊं में काकुनी, घग घग भी बोलते हैं। भाई बहुत खतरनाक जंगल है, बहुत खतरनाक, कुछ भी हो सकता है यहाँ। और मैंने बैठना है दीपांकर के बैग में, ठीक है, मैं जाऊंगा मतलब, इसलिए पहले आगे तुम चल रहे हो। है ना, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, स्लीपर्स में आई हूँ, पता नहीं, रेडी रहना ठीक है। ये पूरी नहीं कर रही। तो ये है बारिश के बाद का मौसम, सब कुछ कितना खिला खिला सा लगता है, कितना सुंदर दिख रहा है नौकुचिया ताल। मैं तो बिल्कुल नहीं आती। तो अभी हम लोग वहाँ से आए थे जहाँ पे अंकल ने हमें बताया था कि हमें इस साइड जाना था, तो हम पूरा विलेज घूमते हुए फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यही वो जगह है जहाँ पे लेपर्ड आया था, और यहीं पे थोड़ी आगे जाके उसके लिए केज भी लगा रखा है। आप तो ये अभी केज पे केज रखा है फॉरेस्ट वालों ने। अच्छा, उसी टाइम वो टीम की फोटो आई थी। फोटो तो उसके बाद आई थी, वो उधर काट रहे थे सामने जो खेत है, यहां फिल्टर पे दांत रखे थे खेत में। अच्छा, जंगल वाले ही। हां, अभी कुछ टाइम पहले इस भाई के पापा पर अटैक किया था टाइगर ने। तो ये दीपांकर का अभी रेस्क्यू चल रहा है। कहां है घर? वो नीचे। हां, तो यहां से नीचे पूरा गांव है ना, वो देखो वो रास्ता जा रहा है पागलो। ये जा रहा है वो रास्ता गांव में जहां अटैक हुआ था कल। जाना है क्या नीचे? यहाँ हुआ था अटैक, यहाँ हुआ था, मैं बता रही हूँ। गौशाला बोल रहे हो, देखते हैं कहाँ। अरे यहाँ तो गादे में हुआ था। यहाँ से चल पड़ेंगे, वापस पीठ फैलाओगे। अरे वो कहाँ है?
वो कहा है? तो तुम्हारा इतना सेटअप लाने का फायदा क्या हुआ? जाना है? मैं तो चल लूंगा, तुम्हारा देख लो। पीठ में लाओगे? पीठ वाले को पहले मार दो। लैपर्ड मिल गया था। हाँ यार, तुम आगे चलोगे तो मैं चलूंगी। वैसे वो पीछे से भी अटैक कर सकता है। गांव वालों को ले जाएं? जाएं क्या करें, कोई नहीं आएगा। छोटा उनकी मम्मी ने ऐसा मारना है ना तुम्हें। लेकिन बहुत। तो अभी हम लोग उसी गांव के रास्ते पे खड़े हैं जहाँ पे कल अटैक हुआ था। और ये रास्ता बहुत ज़्यादा घना है, मतलब पूरी झाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा। बरसात में तो वैसे ही पूरा ग्रीनरी हो जाता है, तो सब कुछ घना घना सा। तो अभी हम लोगों का प्लान कैंसिल हो चुका है, क्योंकि लैपर्ड हमेशा अटैक लेडीज़ पे ज़्यादा करता है। जो कल अटैक हुआ था वो भी लेडीज़ पे हुआ था। तो अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस। मुझे पता था तुम ये करोगे। भागने का दिखा दो अपने ब्लॉग में गाइस को। तो कल जिन महिला पे अटैक हुआ था वो अभी ठीक है, वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में है। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।